Hi guys, myself Shikha Tiwari and we are going to study now English grammar and our today's topic is how to use had, have and had. तो चलिए हम सीखते हैं कि has had, have had और had को एक साथ कैसे यूज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें और हम अपने अगले वीडियो में इसी से जुड़े करीब 20 सेंटेंसेस पढ़ेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और पार्ट टू की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसे ज़रूर देखें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड का यूज एक साथ पॉसिबल है, तो चलिए इस ग्रामर को अच्छे से समझते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए दो बातों की जानकारी होना आवश्यक है। पहली, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और दूसरी, ये मेन वर्ब क्या है। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक ये ग्रामर आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रिया, वे सारे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और वर्ब्स के बीच में आते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे डू डज, इज एम आर, हैव हैज, वाज वर, डिड हैड, इटीसी, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। इनका प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब, वे सारे वर्ब जिनमें किसी काम का होना पाया जाए या हमको पता चलता है कि यहाँ किसी प्रकार का काम हो रहा है मेन वर्ब कहलाता है। जैसे गो, कम, रन, प्ले, से, टेल, टीच, कुक, ये सारे मेन वर्ब हैं जिनसे हमको पता चलता है कि काम किस प्रकार का हो रहा है। अच्छा, कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब है तो उनका अंग्रेजी में तीन रूप होता है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। इनको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गो, इटसेल्फ फर्स्ट फॉर्म, बेंट सेकेंड फॉर्म एंड गॉन थर्ड फॉर्म। सेम उसी तरह से तोड़ना यानी ब्रेक, फर्स्ट फॉर्म ब्रोक, सेकेंड फॉर्म एंड ब्रोकन थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं हैव का। हैव एक ऐसा शब्द है जो डबल रोल प्ले करता है, आई मीन टू से ये मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी बन के आता है। ये वाक्यों में सहायक क्रिया का भी काम करेगा और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसकी मीनिंग, जैसे खाना या पीना, हम लंच खाते हैं, डिनर लेते हैं, तो इसके लिए भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरह से लेना या स्वीकृत देना के लिए भी हैव का प्रयोग होता है। या किसी घटना या प्रॉब्लम या समय को अनुभव करते हैं तो इसे भी आप हैव के माध्यम से बता सकते हैं। हैव के ऐसे कई मीनिंग हैं, जैसे खाना पीना, स्वीकृत देना या अनुभव करना होगा। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे स्पोकन में या रिटेन में इनका यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस है, मैं लंच 1 बजे लेता हूँ, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। यहाँ सब्जेक्ट है मैं यानी आई और लेना को हम बोल सकते हैं हैव, लंच यानी लंच और कितने बजे, 1 बजे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव लंच एट 1 PM। यहाँ पे जो हैव है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं आई हैव प्लेड क्रिकेट। सेंटेंस में देखिए यहाँ भी हैव आ रहा है, लेकिन ये हैव मेन वर्ब के रूप में नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, जबकि यहाँ हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है प्लेड, जो प्ले से आया है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। तो यहाँ दो वाक्यों में आपने हैव का प्रयोग देखा।
एक में मेन वर्ब आया और दूसरे में हेल्पिंग वर्ब। अब एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिनमें हम इन्हें दोनों रूप में ला सकते हैं, मतलब मेन वर्ब भी बने और हेल्पिंग वर्ब भी। मैं नाश्ता ले चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी मैं का आई, हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे, यानी आई के साथ हैव लगता है। अब हमको लिखना है लेना, लेना को हम टेक बोलते हैं, यानी इसका थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा। और नाश्ता ब्रेकफास्ट, यानी सेंटेंसेज हुआ आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी बना सकते हैं आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। ये कैसे हुआ आइए देखते हैं। सब्जेक्ट लिखा आई, हेल्पिंग वर्ब लिखा हैव। अब यहाँ पे मैंने हैड लिख दिया। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि नाश्ता या लंच लेने के लिए हम हैव का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम हैव लेकर आएंगे। हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, यानी हैड अ ब्रेकफास्ट। टेकन के बजाय आप हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया और हैड मेन वर्ब है जो हैव का थर्ड फॉर्म है। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह नाश्ता ले चुका है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ ही के साथ लगाते हैं हम हैज। लेना का होगा टेक, उसका थर्ड फॉर्म टेकन और नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, यानी ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह भी बना सकते हैं ही हैज हैड ब्रेकफास्ट, तो हम टेकन के बजाय हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेना के लिए हम टेक का प्रयोग ना करते हुए हैव का प्रयोग कर लें और हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा, तो सेंटेंस है ही हैज हैड ब्रेकफास्ट। आइए दूसरा देखते हैं, मैं नाश्ता ले चुका था, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, लेना यानी टेक, उसका थर्ड फॉर्म टेकन और नाश्ता का ब्रेकफास्ट, तो आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। तो हम चाहें तो लेना के लिए टेकन का प्रयोग ना करते हुए हैड का प्रयोग कर सकते हैं, और इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगाना है तो थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा, तो सेंटेंस होगा आई हैड हैड ब्रेकफास्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है और मुझे